हम देखते हैं मुस्नद अहमद में हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि बद्र की जंग के बाद जो कैदी थे, काना नासु मिनल असरा यौम बद्रिन लम यकुन लहुम फिदाहुम, कि जो कैदी बद्र की जंग के जिन्हें पकड़ा गया था और जिनके पास अपने आप को आज़ाद कराने के लिए कोई रैंसम फिदिया नहीं था, फजाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाहुम अन युअल्लिमु औलाद अल अंसार अल किताबता, के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके फिदिया को ये रखा कि वो अंसार के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाए। मुस्नद अहमद में हदीस मिलती है जिसकी तहकीक शोएब अरनौत ने जो बताई, हदीस सही सनद से है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पॉइंट क्या है, बद्र की जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी दी। अब कई दुश्मन के कैदी पकड़े गए, दुश्मन के कई लोग जो लड़ने आए थे, मारने आए थे, पकड़े गए वो लोग। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये फिदिया, अपने आप को आज़ाद कराने का एक मेथड उनको दिया कि तुम हमारे जो अंसार के बच्चे हैं इनको तुम लिखना पढ़ना सिखाओ। इतने बच्चों को तुमने लिखना पढ़ना सिखा दिए, आज़ाद हो गए तुम। इमेजिन कर सकते हैं आप, ये लोग लड़ने आए थे, मारने आए थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको क्या बना दिया, टीचर बना दिया। अब वो टीचर बन गए, पता चला कि इस्लाम ने सिखाया है कि दुश्मन के पास भी अगर कोई इल्म है तो उससे भी सीख लो, उससे भी वो इल्म हासिल कर लो। तो हम देखते हैं इस्लाम के अंदर तालीम और एजुकेशन की इतनी ज्यादा अहमियत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को भी क्या बना दिया, टीचर बना दिया।